the real identity of Masked Neander Part 2. देखते हैं मारी मम्मी को आज बहुत खुश है क्योंकि उसके हीरो नियंडर ने उसे बचाया और दूसरी ओर नियन और कॉन प्लान बना रहे थे कि असली नियंडर को बेनकाब किया जाए। काचिन और नियंता भी नियंडर के असली जन्म में जुटे हुए हैं। क्या ये कामयाब होंगे? अब तुम खतरों से कभी मत खेलना, ठीक है? ठीक है, और थैंक यू मेरे हीरो। चलता हूँ। जरा एक मिनट रुक जाओ। तुम पर नियंडर का बैच खूब जचेगा। ओ थैंक्स। वाह, तुम्हें आज नियंडर से मिली, मुझे नियंडर ने बचाया। ये है? हे देखो हमारा कम्युनिकेटर। शुक्र है सही सलामत है। चलो फिर से ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ, पर इसे चुराया किसने? चलो मिल तो गया। भैया भैया, आप सो रहे हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उठिए ना। क्या बात है मिको? आज नियंजा कामिन ने मेरी जान बचाई, मैं नियंजा सुपर हीरो से मिली। हाँ अच्छा। हाँ, ये खुशबू बहुत ही जानी पहचानी है, लगता है नियंजा कामिन भी इसी शैम्पू से नहाता होगा। भैया आप नियंजा कामिन को देखते तो आपको भी अच्छा लगता। नियंजा से मैं मिली, आज मैं नियंजा कामिन से मिली। अरे काचिन और नियंता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निया को, हम दोनों नकाबपोश नियंडर को ढूंढ रहे हैं। मैंने नियंडर की कॉस्ट्यूम पे एक बैच लगा दिया ताकि सिग्नल मिलता रहे, और फिर इस हाथ के इशारे से हमें पता चल जाएगा कि असल में नियंडर है कौन। नियंडर की असलियत जानने में फायदा क्या है? आखिर नियंडर तो नियंडर है, वो हर किसी की मदद करता रहता है। क्या इतना काफी नहीं है दोस्तों? इसलिए बेहतर है इस प्लान को भूल जाओ। वो तो यही कहीं है। ये तो नियागो का घर है। इसका मतलब नियंडर नियागो के घर रहता है। आ रही हूँ। मीको, जल्दी से हमें बताओ इस वक्त घर में कौन कौन है। हाँ, भैया मैं हूँ और कोई भी नहीं है। जरा हट जाओ मीको। हाँ? भैया ऊपर अपने कमरे में सो रहे हैं। चलो। मुझे यकीन नहीं होता। क्या बात है दोस्तों, क्या नियागो ही नकाबपोश नियंडर है? नामुमकिन। अभी कहीं और इशारा कर रहा है। वो वहाँ है। मैं जानती थी और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि तुम नकाबपोश नियंडर नहीं हो सकते। काचिन भी अजीब है, वो अपने ही तरह अजीब अजीब चीजें बनाती रहती है जिनका कोई काम नहीं होता। तुमने ठीक कहा। कहाँ? बताओ भी। हाँ, शायद वहाँ पर। हाँ, ये ठीक है। कहते हैं सही मौका सिर्फ एक बार मिलता है, इस बार हम जीत कर रहेंगे। हाँ, इस बार हम नहीं चूकेंगे। और डरो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नियंडर को लोगों की मदद करना पसंद है और मैं उसे इसी मामले में फंसाऊंगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मदद मांगेंगे उससे? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा बेकार का काम करूँगा? कोई और मदद के लिए आवाज लगाएगा, मैं नहीं। कौन लगाएगा? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। मुझे बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे। आप कितने स्मार्ट हैं सर। कोई शक।
लगता है हम उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। कब से पीछा कर रहे नियांडर, नजर क्यों नहीं आ रहा? वो वहाँ है। बिल्कुल ठीक, कोई इस गड्ढे में गिरेगा और मदद के लिए आवाज लगाएगा और फिर नियांडर यहाँ आएगा और जैसे ही वो मदद करने आएगा मैं उसे उस जाल में कैद कर लूंगा और फिर उसे अपना नकाब उतारने को कहूँगा। जैसे ही नियांडर आएगा मैं रस्सी को ढीला कर दूंगी और जाल नीचे गिर जाएगा, फिर इस लाल रस्सी से खींचूंगी, रस्सी को ढीला करूंगी, फिर लाल रस्सी को। वो जरूर इसी तरफ होगा। काचेन, आखिर नकाबपोश नियांडर है कहाँ? अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ चला गया नियांडर? क्या कहा नियांडर? अरे बेवकूफ, सफेद रस्सी को खींचना था। जी, जी, जी। कहाँ से खींच रही हो? मेरी हड्डी पसली है कर दी। क्या कर दिया तुमने, मुझे फंसा दिया इस जाल में। नियॉन नियांडर है। सुनो 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 दोस्तों, मैं हूँ माइक, कहता हूँ टीवी से, आज मैं आंखों देखा हाल पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं, आइए उनसे सवाल पूछते हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों को कैसे पता चला कि यही नियांडर कामेन है? माय कैट कामेन चैनल से मैंने ढूंढा। मैंने नियांडर की कॉस्ट्यूम पर एक सिग्नल देने वाली बैच लगा दी थी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखो मेरा कम्युनिकेटर इशारा कर रहा है। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने कमाल कर दिखाया, आखिर नियांडर की सच्चाई सामने ले ही आए। तो आइए मिलते हैं नियांडर कामेन से। तो आप भी नकाबपोश नियांडर है ना? नियांडर नहीं हूँ, मैं नियॉन हूँ। पर ये बच्चे कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है आपके नियांडर होने का। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नियांडर नहीं हूँ। मैं असली हीरो हूँ और मेरा नाम नियॉन है और मैं उस नियांडर से ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं नियांडर नहीं हूँ और नियांडर नहीं हूँ। मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं सर, बचाओ मत, कहीं नियांडर आ जाएगा। देखो नकाबपोश नियांडर। अरे वाह, असली नियांडर तो बहुत हैंडसम है। नकाबपोश नियांडर, देखिए दोस्तों असली नियांडर कामेन आ पहुँचा है, देखिए। आओ बचाओ मुझे, आओ बचाओ। अगर आप पानी में गिरे तो घबराए नहीं, वरना आपका ये डर आपको इतने कम पानी में भी डुबा सकता है। मुझे नियंत्रण कैमरे की लाइव तस्वीरें मिल गईं। लगता है सिग्नल देने वाला बैच पानी में गिर गया, अब क्या करें? ये कैसे हो गया? आज हम फिर हार गए। हेलो दोस्तों, ये है कैट टाउन टीवी और आज नियांडर ने फिर एक बार नया कारनामा कर दिखाया। इस बार नियांडर ने नकली नियांडर को बचाया और इसी के साथ वहाँ पहुँचे हैं पहले नंबर पर। लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। आइए, आखिर मैंने नियांडर से मदद कैसे ले ली? आप कुछ मत कहिए, आप ठंड से कांप रहे हैं, आपके लिए ठीक। और ये नकली नियांडर कौन है और मैंने कब कहा कि मैं नियांडर हूँ? मैं तो वो कह रही हूँ, ये प्रोग्राम गलत है, मत सुनिए, रहने दीजिए, आप अपने आप को संभालिए। अच्छी अच्छी, कितनी अजीब बात है, मैंने बैच नियांडर की कॉस्ट्यूम पर लगाया था तो कम्युनिकेटर ने नियॉन की तरह इशारा क्यों किया? वही तो पता नहीं, ये पहेली तो दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारा बनाया हुआ डिवाइस किसी काम का था? क्या मतलब है तुम्हारा निया को? मुझे कुछ कम मत समझना, पर अगर ध्यान से सोचें तो मेरी थ्योरी तो यही कहती है जो नियांडर के आने पर मौजूद नहीं था वही असली नियांडर है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो गलत सोच रहा हूँ। नहीं, वो नियांडर नहीं हो सकता। आखिर हीरो तो हीरो होता है।
पर हमारा हीरो थक चुका है। आज का दिन अच्छा रहा, कोई नहीं जान पाया कि असली नियंडर कौन है। कल फिर नियंडर कैश टाउन में गश्त लगा रहा होगा ताकि किसी की मदद कर सके। तो फिर मिलेंगे नई कहानी लेकर आपके अपने नियंडर कामेन में। शब्बा खैर, अलविदा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।